क्लास सिक्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7। सभी विद्यार्थी ध्यान देकर के समझे। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या से गुणा कीजिए। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम यहां लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए अंक होते कितने हैं, ये अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक ये 9 है, तो 9 को हम 4 बार लिखेंगे। 9 को कितनी बार, 4 बार, 1, 2, 3, 4 ये संख्या हो गई। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो इसमें सबसे छोटा अंक 0 को छोड़ देंगे, 0 को छोड़ के देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। तो पहले यहां 1 बना लेंगे। अब 1 को 3 बार नहीं बनाएंगे, कौन सा डिजिट हमने छोड़ दिया था, 0। अब इसके आगे 0 बनाएंगे, ये 2 डिजिट की हो गई। अब ये 3 डिजिट की, 1, 2, 3 ये सबसे छोटी संख्या। अब इसकी हमको मल्टीप्लाई करना है, (9,999)×100। तो हम क्या करेंगे इसमें, यदि हम 1 जोड़ दें, क्या करें इसमें हम, इसमें 1 हम जोड़ दें इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा 9110, 9110, 1 9110, 9110, कितना हो जाएगा। और जो इसमें 1 जोड़ा है उसको ऐसे घटा देंगे (100)। ये देखिए जो अभी फिर समझो, ये 9,999 है, इसमें हमने 1 जोड़ दिया, ये 1 जो है इसमें 1 जोड़ा, 9110, 10 का 0 आ गया और 1 10s बचे, 9110, 10 का 0, फिर 1 10s बचे, 9110, 10 का 0, फिर बचे 1 10, 9110। अब इसमें ये 2 पद हैं, और ये 1 कहां से आया, ये 1 बेटा जो इसमें हमने 1 प्लस किया है वो इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो यही नंबर आ जाएगा। अब इनको दोनों पदों के साथ में लिखना है, यहां लिखेंगे 10,000×100, आइए माइनस का निशान, फिर यही नंबर लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे 100
और माइनस इंटू वन। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आगे एक फोर जीरो है, टू जीरो और बढ़ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इतने हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और माइनस ये हंड्रेड हो जाएगा। अब इसको हम माइनस कर देंगे, जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा जीरो और यहाँ पर भी जीरो, ये दो अंक जीरो है तो दो है सर। यहाँ से टेंस लेंगे यहाँ टेन हो जाएगा, टेन में से वन निकाल लेंगे तो बचेगा नाइन, यहाँ से टेंस गया था तो यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन और यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, बस हो गया। इस तरीके देखिए ये था, इसमें से हंड्रेड घटा देना है, जीरो जीरो और यहां से टेंस लेंगे तो यहाँ टेन हो जाएगा और इसके बीच में जो थ्री जीरो है यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, तो यहाँ टेन में से बन गए नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन और यहाँ भी नाइन, देखो आ गए हो ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेवन करना है। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है एक स्कूल ने 550 कुर्सियां और 550 मेजें खरीदी, यदि एक कुर्सी का मूल 675 और एक मेज का मूल 325 हो तो सभी कुर्सियों और मेजों का मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक, कितनी इसने कुर्सियां खरीदी है, 550 और एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया है 675 प्लस फिर कितनी उसने मेजे खरीदी है 550 इंटू इसका मूल्य कितना है 325। अब देखिए ये दो पद हुए, पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, इसमें ये नंबर दोनों पदों में लिखा हुआ है, इस पद में भी, तो हम क्या करेंगे यहां रखेंगे 550 ये कॉमन हो गया और इंटू ये बचा 675, फिर ये प्लस का निशान है, देखो इसके आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान यहां पर लगा देंगे। अब ये देखो नंबर यहाँ पे आ गया कॉमन हो गया तो क्या बचा 325। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 550 इंटू 5 5 10 बचे 1 3 और 7 10 बच्चे 1 3 1 4 और 4 6 10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यही आएगा 550 और इसके आगे 1 2 3 1 2 3 0 लग जाएंगे बस। तो क्या पूछ रहा है, कुल कीमत कुर्सियों और
मेजों की कुल कीमत रुपीस 3 होगी। बस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कौन सी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 67 से पूर्णतया विभाज्य है। 67 से तो हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। कह रहा है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 67 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, तो हम लिखेंगे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये सबसे छोटा अंक हो गया। अब इसके अगले हम 1 2 3 4 5 ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 और गया 67 से विभाज्य हो, तो इसको 67 से डिवाइड कर देंगे तो यहां रखेंगे हम 67 तो देखिए ये 2 डिजिट का नंबर है और इसमें 2 डिजिट में 1 2 यहां तक कितना लिखा है 10, इसमें 10 लिखा है और इसमें 67 है, तो ये नंबर बड़ा है तो हम यहाँ तक केवल पढ़ेंगे, यहाँ तक 100 तक समझ में आया, यहाँ तक ये 100 जो लिखा यहाँ तक केवल पढ़ना है। अब इसमें हमको 6 का टेबल आता है, 67 का टेबल नहीं आता है, तो 6 का जब टेबल पढ़ेंगे तो ये 1 डिजिट छूट जाएगा, तो इस 100 में 1 डिजिट ये छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10, तो 6 का टेबल हमको 10 में पढ़ना, 10 से ज्यादा ना हो, 6 1 6 6 2 10 ज्यादा हो जाएगा 6 1 जा। अब इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से रखेंगे, यहां से 1 7 जा 7 और 1 6 जा 6, अब इसको घटा देंगे, यहां से 10 चलेंगे 10 में 7 के 3, यहां बचेगा 9 में 6 के 3, यहां कुछ नहीं बचेगा, अगला डिजिट उतार के यहां रख लेंगे। अब ये 0 जो लाए 0 को हटा देंगे, ये 33 रह जाएगा, 6 का टेबल 33 में पढ़ेंगे, 6 1 6 6 2 12 6 3 6 4 24 6 5 30 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार ये पढ़ेंगे, 5 7 जा 35 बचे 3, 5 6 जा 30 33। अब देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है 330 और नीचे 335, तो ऊपर का नंबर कम है और नीचे का नंबर ज्यादा है, तो इसके मतलब ये टेबल अधिक बार पढ़ गया, तो 5 में हम 1 कम कर देंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 4 यहां रख देंगे, 4 7 जा 28 बचे 2,
फोर सी जा 24 टू 26 हटा देंगे, यहाँ से टेंस लेंगे 10 में लेंगे 2, यहाँ बचे 2, यहाँ से टेंस लेंगे आ जाएगा 12 में 6 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब अगला डिजिट उतार के यहाँ रख लेंगे, अब 6 62 में पढ़ना है, 6 10 60 10 बार पढ़ा नहीं जाएगा, 9 बार पढ़ लेंगे, 9 यहाँ रखेंगे, 9 7 63 56, 9 6 54 और 6 60 3 यहाँ बचेगा, 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब उतार लेंगे ये 0, अब 6 का टेबल हमको पढ़ना है 23 में, 6 6 6 2 12 6 3 3 6 4 20 को देखिए, इसमें हमको छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसमें हमको एड करना पड़ेगा, तो लास्ट में जो ये लिखा है 1 बार अधिक पढ़ेंगे, 6 2 3 और 6 4 20 4 बार पढ़ेंगे, ये 4 बार पढ़ेंगे, 4 7 28 बचे 2, 4 6 24 to 26। अब देखो ये जो नंबर नीचे ज्यादा है इसमें से इसको घटा लेंगे अलग लिख करके, 268 इसमें से 230 घटा देंगे, 8 6 3 3 2 2 0। देखिए यहाँ पर घटाने गड़बड़ होगा, यहाँ पर यहाँ से 10 से लिया था, 10 में 3 7 और यहाँ बेटा 1 बचेगा, अब 0 उतार लीजिए, 3 बार पढ़ेंगे, 6 3 3 3 7 21 बचे 2, 3 6 3 अब 2 20। अब देखिए इसमें से नीचे जो ज्यादा नंबर है इसमें से इसको घटा देंगे, 201 और ये नंबर 170 1 यहां से टेंस लेंगे, 10 3 7 3 अब जो 31 आया इसको इसमें हम ऐड कर देंगे, 31 इसमें ऐड कर देंगे, 1 3 0 0 0 1 वह संख्या कौन सी है, वह 6 अंक की, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
टेन। कह रहा है ऐसी दो पूर्ण संख्या लीजिए जिनमें एक सम तथा दूसरी विषम हो, उन दोनों का गुणन कर सम पूर्ण संख्या होगा या विषम पूर्ण संख्या। कोई एक सम संख्या लीजिए, सम संख्या, सम संख्या हमने एक ले लिया और विषम संख्या कोई भी विषम संख्या ले सकते हो, हमने विषम संख्या ले ली यहाँ पर 11। अब इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 + 18 उत्तर क्या है, सम है या विषम? विषम। हमने कई बार बताया जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो विषम संख्या होती है। ये विषम नहीं है, सम है, क्योंकि इसका इकाई का अंक कहते हैं। और जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 वो संख्या सम संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे सम पूर्ण संख्या है। क्या लिखेंगे? सम पूर्ण, सम पूर्ण संख्या होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? सम पूर्ण संख्या होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10,000 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि अंतर 45 से पूर्ण रूप से विभाज हो जाए। तो देखिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 संख्या कौन सी है 10,000 कितने से कह रहा है 45 से, जो इसमें रिमाइंडर बचेगा उसी को इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे 45, यहां रखेंगे 10,000। तो 45 का टेबल यहां तक पढ़ेंगे, 45 = 90 इसको माइनस कर देंगे 0, 10 में 9 11 यहां कुछ नहीं बचेगा, उतार देंगे ये सिफर। फिर 45 × 90 0, 10 में 9 11 फिर ये 0 उतार के यहां रख लेंगे। फिर 45 × 90 10 में 9 11 कितना घटा दिया जाए 10 घटा देने पर संख्या फोर्टी फाइव से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, बस होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 11 है, कह रहा है a = 99 b = 1 तो इसको हल करना है a = 99 b = 1। तो ये नंबर दिया है a + b × a - b, इसको हल करना है। तो ये a लिखा हुआ है, a का मान कितना है 99, a की जगह पर रखेंगे 99 + b का मान कितना है 1, यहां रखेंगे 1,
इंटू ए का मान कितना है 99 माइनस बी का मान कितना है 1, इसको इसमें ऐड कर देंगे। 99 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू इसमें से 1 घटा देंगे तो 9 में 1 गए 8 और 9। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 यहाँ आ जाएगा और इसके आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बस हो गया। इसी प्रकार से सभी बच्चे हल करके दिखाएं।